कैसे हैं आप लोग? मैं दुर्गा जायसवाल। आप सभी ने मेरे जन्मदिन की जो शुभकामनाएं दी हैं उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद कहना चाह रहा हूं। और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप सभी लोग का इतना प्यार, इतना सम्मान मिला, इस वजह से मैं और मेहनत कर पा रहा हूं। तो सबसे पहले आप सभी ने जो मेरी लंबी उम्र की कामना की है, तो उसके परिप्रेक्ष्य मुझे भी एक छोटा शब्द कहना है कि भगवान करे कि जितनी भी मेरी उम्र हो उसे 100 साल ज़्यादा आप सबकी उम्र हो, और आप मेरी 100 जन्मतिथि याद करके आप भी आंखें नम हो जाए। तो भगवान करे जितनी भी मेरी आयु हो उसे 100 साल ज़्यादा ही, हमें बधाई देने वालों की उनकी उम्र भी हमसे ज़्यादा हो। अब बहुत वो खुशी की बात है, ये दिन वर्ष में एक बार आता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी खुशियाँ भी हैं, बहुत सारी कमियाँ भी हैं। कमियाँ ये हैं कि मैं वो नहीं कर पाया जिसलिए भी मैं पैदा हुआ था, कि ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं है जब कब कहाँ क्या हो जाए किस मुकाम पर। तो ये बहुत कुछ करना बाकी है, ज़िंदगी के 1 साल और मेरे कम हो गए। आगामी 1 साल में फिर मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि आगामी 1 साल मिले यदि मैं जीवित रहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि ये भी आप जानते हैं ज़िंदगी किसी कोई भरोसा नहीं, लेकिन जब तक है अंतिम सांस तक अपनी तरफ से मुझे बेहतर करना है। तो आज मैं आपके लिए छोटी सी अपनी कहानी की बताता हूँ जो मेरे द्वारा मेरे साथ घटित हुई है। मैं तो सोचा था कभी और ऊँचाई पर जाने के बाद बताऊँगा, लेकिन सोच रहा हूँ बता दो, क्या पता ज़िंदगी रहे ना रहे, हो पता अगले बर्थडे पे हमारी आपकी मुलाकात हो पाए या ना हो पाए। प्रत्यक्ष रूप से हाँ यूट्यूब पे हम रहेंगे आप तो हमें देख सकते हैं, लेकिन हम आपको अपनी बात ये नहीं सोच पाएंगे आप हमें देख रहे हैं या नहीं है। आज के कुछ साल पहले 2010 में इसी तरह का मेरा जन्मदिवस पड़ा था, और उस जन्मदिवस पे जिसे आज इस बार तोहफा मुझे आप सबके द्वारा मिल रहा, उस बार भी मुझे टेम्पो मिला चलाने के लिए, और उस समय की लिए बहुत बड़ी खुशी थी। लेकिन आवश्यकता थी, परिवार की ऐसी कंडीशन थी, ऐसी समस्या हो गई थी कि मुझे 3 वर्ष तक लगातार 2010-11-12 3 साल लगातार टेम्पो चलाने पड़े थे, टेम्पो जिसे आप ऑटो रिक्शा कहते हैं। तो समस्या ऐसी थी, मैंने चलाया और लगातार भी पढ़ते रहे, और उसका परिणाम आज आप सब देख रहे हैं। बहुत बड़ी कहानी है, कई बार मोड़ा, उसी में मैंने आईएएस मेंस दिया, पीटी फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, एमपीपीएससी मेंस क्लियर किया। तो कहीं ना कहीं ये मेरा जो हर बर्थडे रहा वो चुनौतियों से भरा रहा, और उम्मीद करता हूँ मुझे जहाँ तक लगता है यह बर्थडे भी मेरा पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ उपलब्धियों के साथ आया। बेशक मैं कह सकता हूँ कि मेरे जीवन काल का, मेरे बुढ़ापे का 1 साल और नज़दीक आया, मेरा जीवन 1 वर्ष और कम हुआ, लेकिन इन 1 वर्ष में जो समय बीता उससे ज़्यादा मुझे जो कमाई हुई आप हुए, मतलब आप द्वारा लोग जुड़े, आप जाने हमें, मतलब कहीं ना कहीं अगर जो मेरा 1 वर्ष बीता उसमें जो कुछ मिला या नहीं मिला, मेरी असली कमाई है आप सब मुझे जान पाए, आप सब मुझे देख पाए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी और गर्व की बात है। तो मैं आप सबके लिए दिन रात आज ही मेहनत करता हूँ। मेरी भी एक उम्मीद है कि मुझे दुनिया में कुछ बेहतर करके जाना है। लाखों लोग रोज़ पैदा होते हैं, लाखों लोग रोज़ मरते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन कुछ चेहरे ही हमें और आपको याद रहते हैं और बाकी चेहरे भूल जाता है इंसान। तो उन्हीं कुछ चेहरों में बनना है हमें, उन लाखों की श्रेणी में नहीं रखना है कि लाखों लोग रोज़ पैदा होते हैं, लाखों लोग रोज़ मरते हैं, लेकिन कुछ एकाध चेहरे ऐसे होते हैं जिसे लोग याद करके, जिनकी आँखें भर आती हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं। मेरा भी जीवन काल तूफानों से भरा रहा है, मैं यूपीएससी मेंस लिखा, आईएएस का फर्स्ट अटैम्प्ट वहाँ तक पहुँचा, और ऐसी ऐसी परिस्थितियों से पहुँचा। परिस्थिति और बेहतर होती, हो सकता मैं आईएएस बन गया होता, लेकिन ये भी हो सकता है परिस्थिति और अच्छी होती तो मैं वो भी नहीं कर पाता और ये भी नहीं कर पाता। तो परिस्थिति को मुझे दोष नहीं देना चाहिए, हम आवश्यकता ये है कि मेरे मेहनत में जितना था उतना मैं यहाँ तक पहुँचा, और मुझे मेहनत करूँगा तो मैं साथ और ऊँचाई तक जा पाऊँ। तो वास्तविकता ये है कि जो चीज़ें हैं वो मेहनत से हैं, क्योंकि इस बात को मैं इसलिए स्वीकार करता हूँ क्योंकि मैं आपको गणित पढ़ाता हूँ, जैसा कि आप भी जानते होंगे अगर आप मुझसे पढ़े होंगे, जबकि मेरा बीए है और हाई स्कूल इंटर में मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा, तो जैसे जानते हैं कैसे लोग पढ़ते हैं, सीरीज पढ़ के किसी तरह जो है इंटर की परीक्षाएं दी जाती हैं, क्लासेस की जाती हैं, लेकिन वो मैथमेटिक्स और ये मैथमेटिक्स बड़ा अंतर होता है। लेकिन अब मैं पूरी किताबें रट गई हैं, मैं पढ़ाता हूँ, तो बड़ा समस्या होता है कैसा कैसे कर पाया। बहुत ही आसान सा लॉजिक है कि अगर कोई व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, 1 बार पढ़ता है, 2 बार पढ़ता है, 3 बार से याद हो जाता है, हम 3 बार पढ़ेंगे, 3 जगह 6 बार पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे, कब तक याद नहीं होगा, तब तक पढ़ेंगे जब तक याद नहीं हो जाए। तो ये कहना गलत है कि सफलता के लिए मैं अयोग्य हूँ, मैं असफल हूँ, ऐसा है कि मेहनत ही सब कुछ है। अगर मैं मेहनत ना करता अभी मैं टेम्पो चलाता होता, 3 साल मैंने चला, 1-2 दिन की नहीं, 365 × 3, सोच लीजिए कितना लंबा ड्यूरेशन मैंने इस तरह से बिताया, और आज मैं आपके सामने हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मेरी मेहनत का फल है, तब भी मैं मेहनत करता था, आज ही मेहनत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ मैं भविष्य में भी मेहनत करता रहूँगा, जब तक हूँ तब तक मेहनत करता रहूँगा। इसलिए बहुत सारी खुशियाँ भी होनी चाहिए, लेकिन मुझे इस बात का गम है कि मेरे इतनी उम्र है कि मैं इस पड़ाव पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हूँ, मैंने अभी समाज के लिए, इस देश के लिए अभी वो नहीं कर पाया जिसके लिए मैं, हो सकता है, पैदा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे उनकी श्रेणी में नहीं रहना है जिनका काम ही है
इस दुनिया में आना, खाना, फिर वापस जाना। मतलब कहते ना, मुट्ठी बांधे आए, हाथ खोले जाएं। मैं जानता हूँ हाथ खोले जाना है, लेकिन इस दुनिया के उतनी चीज़ें देकर जाइए ताकि लोग कभी न कभी जब उनकी ज़रूरतें हो तब यह चेहरा कम से कम उनको एक बार के लिए तो याद आ जाए। बस यही छोटी सी उम्मीद के सारे हम जी रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतनी शुभकामनाएं दी, जितना मैंने सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा आपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे तो सबसे ज़्यादा, अभी तक तो मैंने देखा स्क्रीन भी शॉट भी रखा, 8000 से ज़्यादा लोगों ने मैसेज सेंड किए। मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है और कहीं ना कहीं इसमें आप सबका बहुत बड़ा प्यार रहा है। और मैंने इस एक वर्ष में इतनी बड़ी जो उपलब्धियाँ हासिल की पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष, तो मैं और मेहनत करता रहूँगा, हो सकता है मैं और मुकाम पे जाऊँ, मैं आपके लिए और कुछ बेहतर कर पाऊँ। इसीलिए लोग कहते हैं सर आप टेम्पो चलाते चलाते अचानक कैसे इस क्षेत्र में आ गए। जी टेम्पो चलाने लिए मेरा शौक नहीं थी, मेरी मजबूरी थी। उस समय भी मैं पढ़ता था, दिन में ये काम रात में पढ़ता था। उसका परिणाम 2013 में पहली बार रेलवे ग्रुप डी क्वालीफाई हुआ, फिर SSC क्वालीफाई हुआ, फिर CPSI UPSC IAS पहली बार में, MBPSC पहली बार में। फिर परिस्थिति ऐसी बन गई मुझे मजबूरी में BTC भी करना पड़ा, लेकिन मैं 69 से भर्ती के रेस में भी हूँ, जैसा कि आपको ही पता होगा क्योंकि पहले पिछले वीडियो में बताया था। तो मिला जुला कि मेरा जीवन जो है वो अभी तक तो कठिनाइयों से गुजर रहा है, मैंने इस चीज़ को झेला है। इसलिए मैं जब से जाने लायक हुआ हूँ इस संस्था को बढ़ाने के लिए, जहाँ मैं आज खड़ा होकर आपसे बातें कर रहा हूँ, इसके लिए भी मैंने कम नहीं झेला है। एक समय ऐसा था सभी ने साथ छोड़ दिया था, सभी ने साथ छोड़ दिया था। जबकि सब कहते हैं ना परिवार साथ रहता, तो लोग कहते थे क्या पढ़ाओगे, क्या मिलता है, दिन भर पूरा समय बर्बाद होता है, घर से पैसा लगाते हो, ट्यूशन तीन तीन चार चार ट्यूशन पढ़ाते थे, पैसा मिलता था ट्यूशन कोचिंग में लगा लगा के, रूम रेंट भरना, बेंच डेस्क धीरे धीरे निर्माण करते करते फिर आज वो स्थिति आ गई है कि प्रदेश में एक कोचिंग की जब बात आती है CTET UPTET की दुनिया में या शिक्षक भर्ती की दुनिया में, तो कहीं ना कहीं एक चेहरा दुर्गेश जायसवाल की लर्निंग दुर्गेश स्मार्ट कोचिंग क्लासेस अपने आप जहन में आ जाता है। इसके लिए बहुत सारे मैंने पसीना बहाया, आज ही बाहर रहा हूँ, आज मैं जहाँ बैठा हूँ, जहाँ खड़ा हूँ, सबसे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो दादे तो लोग नहीं दबाएंगे, लेकिन सर ऐसे कैसे रह लेते हैं आप? बस इसलिए नहीं रह पाता कि मेरे लिए मजबूरी इसलिए रहता है, मेरे अंदर जुनून है, और जुनून अगर आपके अंदर भी आ जाएगा तो आप भी कुछ बेहतर कर पाएंगे। अब आते हैं पॉइंट, कई लोगों ने कई बार मुझसे पूछा, खासकर मेरे गांव के लोगों ने, अचानक कैसे विचार परिवर्तन हुआ। छोटी सी कहानी सुनाते हैं फिर हम और आगे बढ़ते हैं। एक कुहार मिट्टी गूंथ कर चाक पे मिट्टी रख के बर्तन बनाने वाला था, वो चीलम जानते होंगे ना, चीलम बना रहा था। चीलम बनाते बनाते तब तक उसकी पत्नी आती, कहती है कि चीलम क्यों बना रहे हो, गर्मी का मौसम, जैसे इस समय गर्मी का मौसम है, इसमें चीलम नहीं बिकेगा तो मटके बनाओ तो शायद ज़्यादा बिक जाएगा। तो फिर वो मिट्टी को फिर गूंथना शुरू करता है, फिर नए डिजाइन से चाक पर रखता है मटके बनाने के लिए। तो मिट्टी आवाज़ देती है, मिट्टी पूछती है कुहार से कि बताइए हे मानो, पहले तो आप मुझे कुछ और डिजाइन बनाए थे, अब कुछ और, पहले तो आप मुझे चीलम बनाए थे, मुझे मटकी क्यों बना रहे हो, तो इसमें क्या? कहें अगर मैं चीलम बनाता, यदि मैं चीलम बनाता तो चीलम जलाई जाती है और चीलम खुद भी जलती और दुनिया को भी जलाती, माने चीलम उसी मिट्टी से यदि चीलम बनता तो खुद भी जलता और दुनिया को भी जलाता। दूसरी तरफ कहें जो मटका है उससे कहें जो मटका बनेगा वो खुद उसमें जल डाला जाएगा तो जल भी शीतल होगा, मटका भी शीतल होगा, जो पिएगा उसे भी शीतल करेगा, माने मटका बनेगा तो खुद भी शीतल होगा और दुनिया को भी शीतल होगा। माने एक विचार दुनिया को जला सकती थी और एक विचार दुनिया को शीतल कर सकती थी, माने एक ऐसा विचार था, उसका नाम था विश्वास, जुनून, कड़ी मेहनत, उसी विचार का नाम था। मतलब एक विचार जो था वो पूरी दुनिया को जला सकता था, जिसे चीलम बना था, वही कुहार जब अपने थोड़ा सा विचार बदल दिया कि गर्मी के समय मटके बनना चाहिए, वो पूरी दुनिया को शीतल पहुंचाने लगा। तो बस वही विचार मेरे अंदर भी है, कुछ बेहतर करना है। मैं मुखर्जी नगर ज़्यादा तक नहीं रुक पाया, समय नहीं मिला, ये कहना ज़्यादा लाजमी नहीं, औकात नहीं थी, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ ये नहीं कहना कि शायद मुझमें कमियाँ थी इसलिए मेरा पहले अटैम्प्ट में सलेक्शन नहीं हो पाया, तो मिला जुला के कमियों का मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ, जल्दी फिर उस रेस में मैं पुनः दौड़ने के लिए प्रयासरत रहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर शेर बूढ़ा हो जाए तो शिकार करना भूल जाता है। हाँ फर्क इतना, मजबूरियाँ हैं, कुछ समस्याएं हैं, इसलिए मैं इस रेस में उतरा। तो इस जन्म दिवस पर बस मैं आपको यह बताने के लिए इतनी लंबी कहानी मैं इसलिए सुना रहा था कि आप भी कुछ बेहतर कर सकते हैं इस समाज के लिए, इस देश के लिए। इस देश ने आपको एक नाम दिया है और नाम एक पहचान दिया, वो सबसे बड़ी बात होती है। मेरे नाम के हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, लेकिन जब भी दुर्गेश नाम वगैरह मुझसे परिचित होंगे तो कहीं ना कहीं चेहरा मेरा आपके सामने आ जाता होगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आपने दिया है, ये मेरी मेहनत ने दिया है, मेरे नाम के हजारों लोग हैं लेकिन एक पहचान उस नाम को देना ये खुद के ऊपर है। तो आप भी अपने नाम को अगर पहचान देना चाहते हैं तो आपकी कड़ी मेहनत, लगन और समय
ये सारी चीज़ें आपके लिए लोग कहते हैं नसीब, नसीब को तो बाद में आता है, पहले तो उंगलियां हैं, उंगली की बात हस्तरेखा शुरू होते हैं, तो पहले आप अपने उंगलियों से काम करिए फिर हस्तरेखा की बात आएगी। इसलिए आज मेरा आने का उद्देश्य यही था कि आपके सामने आपने मुझे शुभकामनाएं दी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ें, और एक साल मेरे कम हुए इस बात का मुझे उतना गम है कि जितना मैंने एक साल में आपके लिए नहीं कर पाया। अभी आगामी साल में मेरे लिए इतनी बड़ी चुनौती है कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर करूं, और बेहतर करने का विकल्प क्या, दिन रात एक करके मेहनत करूँगा और आपकी मंजिल तक पहुँचाने में एक पथ प्रदर्शक की भांति मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा, ताकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे पथ प्रदर्शक से आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच पाएँ। इसलिए खुद से मोटिवेट हों, आपके आसपास लोग मोटिवेशनल होते हैं, दीवार पे लिखी बातें बहुत अच्छी लगती है, बड़ी खूबसूरत तब तक लगती हैं जब तक उसे जहन में उतारना उतना ही कठिन होता है। पता है व्हाट्सएप पे स्टेटस लगते हैं, फेसबुक पे सुविचार आते हैं, दीवारों पे सुविचार अच्छे लिखे होते हैं, वे वहीं तक अच्छे लगते हैं, उन्हें जितना देखने में अच्छे लगते हैं उन्हें दैनिक जीवन में उन्हें उतारना, उन्हें फॉलो करना उससे कई हजार गुना कठिन होता है। लेकिन जो उन्हें वास्तव में अपने दैनिक जीवन में उतार लेता है वो सफलता की कदम पे, सफलता की राह पे अग्रसर होता रहता है, कठिनाइयों का सामना करते हुए और आगे बढ़ता है। मैंने भी पढ़ाई कीमत समझी, पैसे कीमत समझी, मेरी पढ़ाई दो मैं टेम्पो चला इसका मतलब समझ सकते हैं मेरी पढ़ाई कैसे अवरुद्ध हो गई थी। मेरा बचपना पूरा काम करते हुए गुजरा है, फिर मैं पढ़ता रहा और आज मैं यहाँ हूँ आपके सामने, ये मेरी मेहनत का परिणाम है। और मैंने खुद भी पढ़ा और कईयों को भी पढ़ाया, कईयों की ज़िंदगी मैंने सपोर्ट की। बेशक काम के बाद लोग बदल जाते हैं, उनकी सोच बदल जाती है, उनके नज़रिए बदल जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद मैं गलत हूँ, वो सही है, लेकिन मुझसे इस बात से कोई मतलब नहीं। मैंने मेरा आत्मा कहता है ना मैं सही था, मैंने लोगों की मदद की, आज भी करता हूँ, कि मुझे ये पता है कि किसी व्यक्ति के पैसे के नाते पढ़ाई अवरुद्ध होती है तो क्या गुजरता है उसके ऊपर। आज भी मैंने कई बार YouTube पे भी कहा तो, लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि 15,000 रुपये मोबाइल लोग यूज करते हैं, 500 रुपये फीस, 1,000 रुपये फीस की बात आती है तो बता देते हैं मैं गरीब हूँ, 2-2 लाख रुपये लगा के BTC BEd करते हैं, जब 500 रुपये 1,000 रुपये फीस की बात आती है तो कहते हैं मैं गरीब हूँ। ठीक है, गरीबी पैमाने में जानता हूँ कुछ होंगे, लेकिन इतना नहीं कि अगर मेरे पास 1,000 कॉल है तो 1,000 लोग गरीब, तो लोग ऐसे लोग और फास्ट भी उड़ा देते हैं। लेकिन हाँ, मेरे दृष्टिकोण में जितने लोग हैं, क्योंकि ये नाम खुलासा करके मैं अपने ऊपर सरताज नहीं रखना चाहता, लेकिन 50 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने सेलेक्ट किया है जन्मदिन पर, और मैं उनके लिए बेहतर करूँगा। क्योंकि मैं धीरू भाई मानी नहीं हूँ कि मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, मैं आज अपने जन्मदिन में कुछ छूट कर सकता हूँ। मैं कोई मंत्री नहीं हूँ, कोई बादशाह नहीं हूँ, कोई सरकार नहीं हूँ कि आज से कोई योजनाएं लगा दूँ। मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ, एक आम बेरोजगार लड़का हूँ जो मेहनत कर रहा है। बस एक छोटी सी जो मुझसे हो सकती है कि मेरी क्लास में 100 लोग की जगह 2 लोग और बढ़ जाएंगे तो मेरी एनर्जी उतनी जाएगी क्लास में। तो ऐसे मैंने 50 लोग सेलेक्ट किया है, उनके नाम इसलिए नहीं बताऊँगा कि नाम लेने से कहीं ना कहीं वही एक मैंने कमेंट पढ़ा था एक जगह कि लोग जितना किसी के लिए दान नहीं करते हैं, जितना किसी के लिए नहीं करते उससे ज़्यादा वो सेल्फी लेते हैं। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी और तब से मुझे ये लगा कि उनकी मदद ना करिए जो आपके सामने नहीं हो, कहते हैं मैं गरीब हूँ, ऐसे लोगों की कदापि मदद नहीं करना, ऐसा मैंने लिखा। लेकिन जो मेरे सामने हैं, जिनको मैं जानता हूँ, उनके लिए मुझे अपना बेहतर करना चाहिए। मैं बेहतर कर भी रहा हूँ और करूँगा, क्योंकि मेरा भी एक बहुत बचपन से था कि मैं एक ऐसा संस्थान खोलूँगा जो अच्छे लड़के पढ़ने में, गरीब परिवार के, किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के हों, ऐसे विकलांग बालक जो वास्तव में कुछ करना चाहते हो, जिनके अंदर जुनून हो, उनके पास पैसे नहीं हो, ऐसे लोग को पढ़ाने के लिए एक फ्री संस्थान खोलना चाहते हैं। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसे ही मेरे पास ऐसे कुछ होते हैं मैं इस प्रोजेक्ट को जल्दी ही पूरा करूँगा, ऐसा मेरा अंदर से फीलिंग है, ताकि किसी की इच्छाएँ, किसी की पढ़ाई पैसे की वजह से ना रुकने पाए। इसलिए और मैं जल्दी आज तो नहीं, आगामी 2-3 साल बाद मेहनत करूँगा तो हो सकता है मैं उस काबिल हो जाऊँ, मैं ऐसा कर पाऊँ। ये मेरी बचपन से एक दिली सोच है, जब भी मैं जूझता था पढ़ाइयों को लेकर, किताबों को लेकर, फीस देने को लेकर, स्कूल से बाहर कर दिया था फीस के लिए, बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जो आज भी मुझे याद हैं। हाँ, भुलक करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी मेरे दिमाग में याद है, फीड हैं, कैसे कैसे मैंने झेला आज तक मैं यहाँ पहुँचाऊँ आपके लिए। तो वो दिन भूल जाऊँगा, जिस दिन उस दिन मैं मेहनत करना भूल जाऊँगा। इसलिए वो सारे दिन ऐसे हैं जो मुझे एनर्जी देते हैं, जो मुझे ये बात करने के लिए कहते हैं, दुर्गेश खाना बाद में खाओ, पहले अपने काम के लिए मेहनत करो, क्योंकि अगर काम नहीं करोगे तो वास्तव में उनमें और आप में उन 1,000,000 की संख्या जिन्हें लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लाखों लोग पैदा होते हैं, लाखों लोग, उस भीड़ में भी आप भी सम्मिलित हो जाओगे। इसलिए भीड़ से हटकर करो, खाना तो पूरी ज़िंदगी खाना है, सब खाते हैं। इसलिए ये उम्र जो है वो इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए, इस देश प्रदेश, इस ज़िले के लिए कुछ बेहतर करो। इस उम्मीद से, इस ललक से मैं बेहतर करता हूँ। और वास्तव में मैं कितना भी मेहनत करता हूँ, लेकिन जब आप सबके प्यार इतना मिलता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और लगता है कुछ बेहतर करना है और कर पाता हूँ। इसीलिए आप सबको पुनः बहुत सारी धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे शुभकामनाएं दी। बस एक रिक्वेस्ट मेरी है कि आप भी
कुछ बेहतर करें, क्योंकि आपके भी जन्मदिवस आते हैं और अपने आपके जीवन के एक साल कम कर लेते हैं। मैं ये मानता हूँ मेरा प्रत्येक दिन जब मैं सुबह आके खुलती है तो मेरा वो जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है कि जिंदगी कोई भरोसा नहीं। आज मैं आपके सामने अपनी बातें रख पा रहा हूँ, पता नहीं कल को आप मेरी ये वीडियो ही देख पाएंगे और पता चलेगा दुर्गेश इस दुनिया में नहीं। ये ऐसा पॉसिबल है कि आप जानते हैं कब क्या हो जाए, कहा नहीं सकता। हो सकता है ये मेरी लाइफ का आखिरी वीडियो हो सकता है, ये कहा नहीं सकता, कभी कुछ हो सकता है। और ये भी नहीं कि मुझे बताने का मौका मेरे बाद में बता के जाऊंगा कि ठीक है आज या कल मेरी डेथ होने, ऐसा भी नहीं हो सकती। ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये लॉ ऑफ नेचर है। तो जब तक हूँ मैं आपके लिए बेहतर करूँगा और आप भी उम्मीद, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया टिकी है कि मैं इतने साल तक जीऊँगा ये काम करूँगा, तो उम्मीद पर मैं भी काम कर रहा हूँ और आप भी उम्मीद पर जी रहे हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि विश्वास है मैं सदैव आज पे जीता हूँ, इसलिए मेरा प्रत्येक दिन जो होता है वो मेरा बर्थडे मैं अपने आप में मानता हूँ और मैं प्रत्येक दिन अपनी नई शुरुआत करता हूँ। और हमेशा मैं ये सोचता रहता हूँ मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे किसी के लिए मैं बेहतर बन सकता हूँ। और किसी को साबित करने से बेहतर अपने आप में एक बेहतर इंसान फील करना मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है और मैं खुद में ये फॉलो करता हूँ। और बातें बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, बातें बहुत बड़ी भी होंगी, बहुत सारे लोग अभी इसको ऑनलाइन भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे, शायद ऐसे कमेंट जो एक दुश्मन भी ना सोचे लेकिन फिर भी अच्छा लगता है ये कि कम से कम वो मेरा विरोध भी करते हैं और मेरी पूरी वीडियो देखते हैं। हो सकता है कि किसी दिन उन्हें किसी मेरी बात का ऐसा आभास हो और वो महर्षि वाल्मीकि की तरह परिवर्तित हो जाएं, तो ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल भी, ऐसा किसी न किसी दिन ज़रूर होगा। और बहुत सारे लोगों हो गए बाद में मुझे पता भी चला, तो अच्छा लगता है कि आप सब जुड़े रहिए, कुछ भी करिए, ऑनलाइन करिए, जो भी करिए, चाहे जैसी इच्छा हो वो करिए, लेकिन हाँ अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतर दीजिए। ये ज़िंदगी दोबारा ना मिलेगी, ये समाज, ये दुनिया बहुत कुछ कहेगी, हमेशा कहती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन हाँ परिवार एक है जो हमेशा साथ रहेगा, लेकिन वो भी कभी कभी ताने देना शुरू कर देगा, लेकिन वो हमेशा साथ रहेगा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। सिवा अपने परिवार को दुनिया में संभवतः कोई नहीं है, कहने के लिए सब है लेकिन आवश्यकता यह जरूरत पड़ती है तो कोई नहीं होता। ये मैंने गैरों के लिए बहुत किया लेकिन फिर बाद में वो भी रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह मैंने देखा है, तो इस बात का मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बिच्छी काम है डंक मारना, यदि हम राहगीर है, यदि हमें ये पता है, मैं यदि पढ़ा लिखा मैं जानता हूँ वो डंक मारेगा, तो क्या मैं अपने रास्ते पे अपने मंजिल पे चलना छोड़ दूँ? यदि अगर चार ठो पत्थर के नुकीले मिल गए तो क्या मैं अपने रास्ते अपनी मंजिल बदल दूँ? थोड़े से चुभेंगे तो मुझे अपनी मंजिल तक जाना है, बस यही बात है। इसी बात को मैं मान कर लोगों की मदद करता हूँ, लोगों से जुड़ा रहता हूँ, लोग को पता नहीं क्या लगता जो लगता हो लेकिन अच्छा लगता है, उनसे मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है और कहीं ना कहीं मुझे बदलाव लाने के लिए काफ़ी हद तक वो जिम्मेदार भी होते हैं। तो बस यही सारी बातें थी जो मैं आज आपसे कहने के लिए आया था और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको बकवास लगी होंगी, लगी या ना लगे मेरी दिल की बातें थी, मैंने कह दी, क्या लगी भगवान जाने, क्या नहीं लगी वो भी भगवान जाने। बस इतना ये था कि ये है प्रत्येक दिन आपका आज होता है और हमेशा कल के लिए हम मेहनत करते हैं लेकिन जीते हम आज के लिए हैं। वैसे मैं भी जीत आज के लिए हूँ और मेहनत कल के लिए करता हूँ, तो हर इंसान जीता आज के लिए है, मेहनत कल के लिए करता है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा और यही वास्तविकता है, यही सच है। बस इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देना चाहते हैं और पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे उस लायक समझा, मुझे उस योग्य समझा कि इतने लोगों ने मुझे मैसेज किया। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है, मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका प्यार इस तरह से मिलता रहेगा और मेरी मेहनत लगातार होती रहेगी, तो कहीं ना कहीं अगर आपसे जुड़े हैं मुझसे तो आप भी सफलता की उस शिखर तक जरूर जाएंगे जिसके लिए आप रात दिन एक मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत में थोड़ी सी कमी आ गई उसे दोगुना करिए, उसे बूस्ट करिए और तेज़ गति से आगे बढ़िए, तब तक बढ़िए जब तक आपकी मंजिल आपके नज़दीक ना आ जाए, आपके पैरों के नीचे ना आ जाए, तब तक मेहनत करिएगा, सफलता जरूर एक दिन आपके आगे आएगी। कब तक वो आपसे नज़र चुराएगी, एक दिन, दो दिन, छः दिन, जब तक उस आपकी मेहनत का वेट जिस दिन बढ़ जाएगा उस दिन सफलता अपने आप आपके कदमों पर आ जाएगी। इसलिए आप अपनी मेहनत की उड़ान बढ़ाइए ताकि सफलता का कद अपने आप छोटा लगने लगेगा। इसलिए आप अपनी मेहनत की उड़ान को बढ़ाएंगे तो सफलता का कद अपने आप छोटा लगने लगेगा। इसलिए आप अपने ज़िंदगी का बेहतर दीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपसे आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाएंगे और आज के लिए जिएंगे और कल के लिए मेहनत करेंगे, तो आप भी करिएगा। आज के लिए जिएंगे, कल के लिए मेहनत करेंगे, अपनी ज़िंदगी का बेहतर देंगे ताकि यह समाज, यह दुनिया, यह महफिल आपको तब तब याद करे जब जब आपकी कमी लगे, जब जब आपकी ज़रूरत हो, ऐसे काम करके जाए जैसे आज हम न्यूटन को, अल्बर्ट आइंस्टीन को, कलाम जी को क्यों याद करते हैं? यही कारण से बहुत से हज़ारों लाखों लोग हैं जिन्हें आज भी हम याद करते हैं। तो कुछ ऐसा करके जाइए ताकि दुनिया आपको याद करे और ज़रूर याद करेगी। इसलिए आप भी अपना बेहतर दीजिए, आपको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।